इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रोहतास जिला मुख्यालय स्थित सासाराम के गौरक्षणी मोहल्ले से आ रही है, जहां एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय अंशिका सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़सर गांव निवासी नागेंद्र सिंह की पुत्री अंशिका सिंह की शादी सासाराम के गौरक्षणी मोहल्ले के रहने वाले अभिषेक सिंह उर्फ सोनू सिंह से हुई थी। लड़की पक्ष वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसकी हत्या की गई है। मौके पर पहुंची प्रशासन ने मृतक के ससुर अनिल सिंह, पति सोनू सिंह, देवर मोनू सिंह एवं ननद को थाना में पूछताछ के लिए ले आई है। वहीं मृतक के शव को प्रशासन अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिए हैं। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। इसे मार दिया है इसके परिवार ने सब मिल करके दहेज के लिए। हम दहेज में 16/4/19 और 19/4/19 को शादी हुआ था, उस समय इसे हम 12 लाख रुपया और एक i20 गाड़ी दिए हैं। और उस दिन के बाद से जब से यहाँ से आई यहाँ पे उसको इतना टॉर्चर किया गया ना, कुछ भी होता था तो तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, भैया से ये मांगो वो मांगो, नहीं बात भी नहीं करने देता था। ये सब मतलब इसे मार दिया गया, मार करके लटका दिया गया। मारने वाला का नाम अनिल सिंह है और उसका पति का, उसका ससुर का नाम अनिल सिंह है और उसका पति का नाम अभिषेक कुमार सोनू और उसकी 4 बहन है, अनुराधा, छोटी और लवली और एक मधु। यही चारों लोग मिल करके और उसका 2 भाई सोनू और मनु यही लटका दिया है मार करके। कल ही ये मर्डर कर दिया है लेकिन आज ये लटका दिया है क्योंकि लकड़िया गया है शरीर एकदम पूरा। लड़की का मायके कहाँ है? लड़की का मायके पड़सर, ग्राम पोस्ट पड़सर। किस थाना पड़ता है? काराकाट। क्या नाम है मृतक? मृतक का नाम अंशिका कुमारी है। उम्र है 22 वर्ष। कब शादी की? 16/4/2019 को तिलक था, 19/4/2019 को बारात था। आप उनके कौन हैं जी? मृतक कौन लगते हैं आपके भाई? हम भाई हैं, मृतक का बड़ा भाई हैं। क्या नाम? नाम अंशु कुमार है।